हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सावन का पवित्र महीना आरंभ होने वाला है। कहते हैं, शास्त्रों में वर्णित है, गुरुदेव भी बताते हैं, इस महीने अगर कोई एक विशेष नियम लिया जाए तो उस व्यक्ति की मनोकामना सावन पूर्ण होते होते अवश्य हो जाती है। क्योंकि इस समय शास्त्र वर्णन है कि सृष्टि का संचालन भगवान शिव करते हैं और धरती पर विचरण करते हैं। ऐसे समय में सच्चे भाव, सच्चे मन से अगर कोई भगवान शिव का पूजन अर्चन करता है तो उस व्यक्ति की मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती है। ऐसे में आप सभी को भी अपनी सामर्थ्य अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार एक नियम लेना चाहिए और उसे पूरे महीने करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में सबसे पहले आप कोई भी नियम लें तो रामायण में कही हुई इस बात का स्मरण करते हुए चलिएगा। वह जो है श्लोक आप सभी को बताना चाहूँगी, निर्मल मंजन सो मोह पावा, मोह छल छिद्र कपट न भावा। अर्थात सच्चा मन और स्वच्छ मन ही निश्चल भावना से, अर्थात निष्काम भावना से अगर कोई कार्य किया जाए तो भगवान शिव कहते हैं कि मैं उसे तुरंत प्राप्त हो जाऊंगा। ऐसे में आप भी कोई नियम ले, कोई विशेष पूजा व्रत इत्यादि करें तो सबसे पहले अपने आप को स्वच्छ कीजिएगा, अपने आप को निर्मल कीजिएगा। देखिएगा मनोकामना पूर्ण होते देर नहीं लगेगी। देर न करते हुए ऐसे में सबसे पहला नियम गुरुदेव हम सभी को बताते हैं, भगवान शिव को जल समर्पित करने का। सबसे पहले सरल नियम आप सभी को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यह प्रत्येक व्यक्ति कर लेगा। हम सभी जानते हैं सावन के महीने में आवश्यक रूप से प्रत्येक दिन जो है भगवान शिव को जल समर्पित करना चाहिए। संभव हो तो बेलपत्री समर्पित कीजिएगा, आंख धतूरा, सामान्य जल, गंगा जल मिश्रित, जैसा आपसे बन पड़े आवश्यक रूप से जल समर्पित करने का नियम बना लीजिए। घर के प्रत्येक सदस्य, बच्चा हो या बड़ा, रोग मुक्ति, धन संपदा, पुत्र प्राप्ति के लिए यह एक सबसे सरल नियम आप सभी को बना लेना होगा। दूसरा नियम है मंत्र जाप। हम सभी जानते हैं मंत्र जाप की महिमा क्या है। शास्त्रों में भगवान को अगर जिस व्यक्ति ने पाया है, साथ ही कलयुग में भी जिस व्यक्ति के कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतर ही पारा। अर्थात कलयुग केवल भगवान के नाम के आधार, अर्थात उनके नाम मंत्र जाप के आधार पर चलता है। तो आप सभी को भी भगवान की प्राप्ति करनी है तो सरल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय का एक माला जो है भगवान शिव के इस चमत्कारी मंत्र का भगवान शिव के मंदिर में हो या घर के मंदिर में या पूरे दिन चलते फिरते आप श्री शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। क्योंकि यह मंत्र है ही ऐसा जो कि काफ़ी सरल है और परिपूर्ण माना जाता है। किसी भी अवस्था में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप किया जा सकता है। संभव हो तो एक माला रोज नियम बना लीजिए, या तो सुबह या शाम। यह कोशिश कीजिएगा कि एक ही समय निश्चित कीजिएगा। मंत्र जाप के नियम होते हैं, एक ही समय एक ही स्थान पर इसे किया जाए तो तत्काल जो है इसका फल मिलता है। अगर आप एक माला करने में असमर्थ हैं किसी कारण, तो चलते फिरते भी इस मंत्र का जितना संभव हो सावन के महीने में जाप कर लिया जाए तो मनोकामना तत्काल पूर्ण होती है। इसके बाद तीसरा स्थान आता है 108 फूल या चावल के दाने या मूंग के दाने जो आपसे हो। 108 की महत्वता गुरुदेव हम सभी को बताते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, नहीं तो इसे पूर्णतया आपको बताने का प्रयास करती। ऐसे में आपसे संभव हो तो रोज 108 चावल के दाने या गेहूं के दाने या मूंग के दाने या फूल या पत्ती या फल, अपनी सामर्थ्य अनुसार जो आपको मिल जाए 108 जो है समर्पित करने का विशेष करना चाहें तो सावन के महीने में यह नियम बना लीजिए। देखिएगा मनोकामना पूर्ण होते होते बहुत कम समय लगेगा। यह तीसरा नियम बना के देखिए। इसके बाद चौथा नियम है दीपक लगाने का। गुरुदेव अपने हर एक कथा में यह बताते हैं कि दीपक की महत्वता, दीपदान की महत्वता हम सभी जानते हैं। सावन के महीने में अन्य दिनों आप नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान शिव के मंदिर में, चौखट में, बेलपत्री वृक्ष के नीचे, समी वृक्ष के नीचे, माता तुलसी के आगे, इन स्थानों में से कहीं भी आप अगर इन स्थानों पर ना जा सके तो उन जगहों का स्मरण करते हुए घर के मंदिर में रोज नियम बना लीजिए भगवान शिव के नाम का एक विशेष दीपक लगाने का। देखिएगा आपके समय बदलते देर नहीं लगेगी। इसके बाद जो स्थान आता है वह पांचवा स्थान है दान पुण्य का। दान पुण्य की महत्वता हम सभी जानते हैं, शास्त्रों में, ग्रंथों में, कलयुग में तो इसकी विशेष महत्वता बढ़ गई है। ऐसे में
कुछ भी आप शाम के समय किसी भी व्रत को उठाते हैं उसके बाद सबसे पहले एक जिसको कहते हैं कि भाग, आधा भाग निकाल लेना है, खाने का किसी गरीब को दान दे सकते हैं, या आप भोजन बनाकर नहीं दे सके तो सामान्य सूखा भोजन इतना दीजिए कि एक ब्राह्मण व्यक्ति या एक भूखा व्यक्ति या किसी गरीब जिसको भी देते हैं एक समय का भोजन उसके लिए पूर्ण हो जाए। उसमें आप आटा, चावल, गेहूँ जो आपसे संभव हो पूरे सावन के महीने में अगर यह नियम बना लेते हैं तो काफ़ी उत्तम है। नहीं तो जिस दिन आप व्रत करते हैं उस दिन तो यह नियम शायद हर एक व्यक्ति बनाता ही होगा। ऐसे में यह नियम बनाकर देखिए, जीवन बदल जाएगा, रोग मुक्ति, धन संपदा, जिस इच्छा ये कार्य करते हैं वह जो है तत्काल फलित होगा। मुझे उम्मीद है मेरे बाबा पर और मेरे गुरुदेव द्वारा बताए गए उपायों पर। अच्छा लगा हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।